बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रिजवान यूनुस है। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। जैसे कि आपके नॉलेज में है कि हमारी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से एक सीरीज जा रही है, उसी हवाले से हमारा एक कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसे आम लैंग्वेज में DB कहा जाता है। कुछ लोग DP कह रहे होते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो वर्ड है वो DB है। इसको आप किसी भी अंडरग्राउंड सोसाइटी के अंदर जाएं तो इसको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ट्रांसफार्मर से आगे जो छोटे छोटे नीले बॉक्सेज आपको नजर आएंगे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं या DB कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जैसे ओवरहेड हमारी ट्रांसमिशन होती है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर से आगे जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है, उसके पोल्स लगे होते हैं, उसके ऊपर 4 कंडक्टर होते हैं, उसके जरिए हम घरों में सप्लाई पहुंचा रहे होते हैं। तो इसका सेम मकसद है, लेकिन चूंकि अंडरग्राउंड सप्लाई है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर से आगे सप्लाई को पहुँचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो कनेक्शन होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि एक वायर जो है वो ट्रांसफार्मर से आ रही होती है, जो कि ज़्यादातर 185 mm की वायर होती है, और आगे अगली DB तक भी वो सेम वायर जा रही होती है। दूसरे जो कनेक्शन हैं वो DB की बस पार से लेके घरों तक वायर होती है, वो ज़्यादातर 16 mm की या फिर 25 mm स्क्वेयर की जो है ना वो वायर होगी। तो इसके जो कनेक्शन होंगे वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे किस तरह से वो कनेक्शन किए जाते हैं और किस तरह से उसके अंदर हमने सेफ्टी करनी है और किस तरह से हम उस वायर को ले करते हैं। इस वीडियो के पहला पोर्शन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेके घरों के अंदर जो हम सप्लाई पहुंचा रहे हैं उसके कनेक्शन के ऊपर होगा, कि वो किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी होगी। जो भी एक सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेके घरों में जा रही होती है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो उस वायर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कनेक्शन होते हैं, वहाँ पर हम लग्स या थिम्बल का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि बहुत डेंजरस है। हम पहले हिस्से के अंदर जो कनेक्शंस आपको दिखाएंगे उसमें थिम्बल का पूरा इस्तेमाल और उसका जो इंस्टॉलेशन का पूरा तरीक़ाकार है, हम आपको आपसे शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें वो थिम्बल को इंस्टॉलेशन करनी चाहिए और कौन सा इसका प्रॉपर तरीका है। इसकी लूजिंग की वजह से जो हम थिम्बल नहीं लगाते और लूजिंग रह जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बाज़ का मीटर बर्न हो जाता है बारिश के दिनों में, या जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है लूजिंग की वजह से, तो वो हमें बहुत ज़्यादा उस हवाले से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने पहले पोर्शन में, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से हम थिम्बल इंस्टॉल कर रहे हैं। DB में थिम्बल लगाने के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज़ होने वाले टूल्स की लिस्ट आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 थिम्बल हाइड्रोलिक प्रेस, उसके अलावा पेपर कटर, वायर कटर, कम्बिनेशन प्लायर, टी गोटी, सेफ्टी ग्लव्स जिसमें रबर और लेदर दोनों ग्लव्स शामिल होंगे, PVC टेप, और चूंकि ये वायर जो जिसको हम थिम्बल करना चाह रहे हैं वो 35 mm स्क्वेयर कॉपर वायर है, तो इसके लिए जो थिम्बल यूज़ होगा वो भी 35 mm का जो थिम्बल होगा वो यूज़ करेंगे हम। तो ये सारी टूल लिस्ट है जो कि आप देखेंगे कि हम यूज़ करेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। DB में थिम्बल लगाने के प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले हम DB की तमाम बस बार्स को शॉर्ट करेंगे। जो न्यूट्रल बस बार है इसको DB के साथ ही जो अर्थ है उसके साथ शॉर्ट करेंगे। उसके बाद रेड येलो ब्लू जो बस बार्स हैं इनको आपस में जी व्यूअर्स, अब हम DB में थिम्बल लगाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि DB के अंदर 4 बस बार मौजूद होती हैं, रेड येलो ब्लू और एक न्यूट्रल बस बार। हर बस बार के ऊपर 4 कनेक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बस बार पे मौजूद जो नट बोल्ट्स हैं उनको खोल लें, उनको अलग रख लें। और ये इसमें बाज़ का होता है कि ये जो नट बोल्ट है यही यूज़ हो जाते हैं, बाज़ का आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप प्रोसेस कर रहे हैं थिम्बलिंग का उसके लिहाज से। जैसे कि हम इस प्रोसेस के अंदर 2 इंच का जो बोल्ट यूज़ करेंगे और जिसका जो डाया होगा 2.5 से उत्तर होगा, तो उसके बाद आप जो वायर है उसकी लेंथ को चेक कर लें, जो मीटर से आ रही हैं उनके एक एक फेज़ को चेक कर लें बस बार के लिहाज से। जैसे सबसे लंबी जो वायर आप छोड़ेंगे रेड वायर छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर रेड बस बार है, और उसके बाद उसकी इंसुलेशन को उतारें अच्छे तरीके से और थिम्बल के साइज़ के मुताबिक आप उसकी इंसुलेशन को उतार लें। और इसी तरह से तमाम फेज़ के जो कंडक्टर हैं उनको आप साफ़ कर लें, और इसी तरह से तमाम जो हमारे फेजेस हैं रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, इसकी इंसुलेशन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और कंडक्टर को साफ़ करके हाथ के साथ जो हमारा थिम्बल है उसको कंडक्टर के ऊपर चढ़ा दें।
क्योंकि हमारी ये जो वायर है 35 mm² की वायर हमने यूज़ की है, तो इसके लिए जो थिम्बल है वो आप इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद थिम्बल प्रेसर के अंदर आप रख के तमाम फेसेस को और न्यूट्रल को आप प्रेस करेंगे, तो ये जो थिम्बल है इसके ऊपर पंच हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप इसकी जो पंचिंग है उसको प्रॉपर करें ताकि उसमें लूजिंग ना रहे और जो थिम्बल है वो कम्प्लीटली कंडक्टर के साथ पंच हो जाए, उसमें स्पेस ना हो, लूजिंग ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स यही होता है कि ये जो थिम्बल है इसके थिम्बलिंग ठीक तरह नहीं होती, प्रेसिंग ठीक तरह नहीं होती, इसी लूजिंग की वजह से ही बाज़कत बहुत से मसाइल हमें बाद में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर तरीक़ेकार हम आपको दिखा रहे हैं। और थिम्बल लगाने के बाद पीवीसी टेप का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो उसकी इंसुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जब थिम्बल लगा दिया है तो उसका जो हिस्सा एज ए कंडक्टर यूज़ नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप टेप कर दें ताकि वो उसकी इंसुलेशन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप बस बार में नट को इंसर्ट करेंगे, और इसकी कुछ तरतीब इस तरह से होगी कि जो नट है उसमें सबसे पहले वॉशर आप डालेंगे और उसको बस बार में डाल देंगे, और उसके बाद आप उसमें एक और वॉशर डालेंगे, फिर आप एक नट डालेंगे, और फिर आप उसमें थिम्बल लगाएंगे, और सबसे लास्ट में आप एक और नट लगाएंगे। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपको बाद में इसकी मेंटेनेंस करनी पड़े तो सिर्फ आप लास्ट वाला नट खोलें तो जो थिम्बल है वो आप उसे खोल सकते हैं, और जो बाकी चीज़ें हमने लगाई हैं दो वाशलें और नट वो उसकी मज़बूती के लिए लगाई हैं। तो ये जब आप इसे लगा रहे होते हैं नट को मज़बूती से टाइट करें और अच्छे तरीके से इसको टाइट करें, इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें लूजिंग रह जाती है तो वो फिर जो थिम्बल है वो एक तरह से फ्री हो जाता है और उसमें फिर स्पेस होती है, जिसकी वजह से बाद में स्पार्किंग और वायर बर्न हो जाती है, और फिर इसके नतीजे में आगे बहुत ज़्यादा बाज़कर डीबी में आग लग जाती है, या फिर इसके जो लूजिंग की वजह से मीटर भी जल सकता है। तो आपको जैसे हम दिखा रहे हैं एक तरतीब, जैसे मैंने पहले बताया कि आप सबसे पहले नट के साथ एक वाशर लगाएं, उस वाशर के साथ फिर बस बार की अगली साइड पे एक वाशर लगाएं, फिर आप उसके साथ एक नट लगाएं, उसको टाइट करें अच्छी तरह से, देखें उसको टाइट करके, फिर आप उसमें थिम्बल लगाएं और थिम्बल के लास्ट में फिर एक नट लगाएं। तो आप ये जब करेंगे तो इसको आपने इंतहाई अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि इसमें लूजिंग ना रहे। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि असल प्रॉब्लम यही होता है कि हम जब भी इसको सही तरह टाइट नहीं करते तो इसमें लूजिंग रह जाती है, इसी तरह से आपने तमाम फेजेस के जो थिम्बल्स हैं उनको टाइट करना है, रेड येलो ब्लू, और सबसे लास्ट में न्यूट्रल, उसको भी सेम आपने जो उसका थिम्बल है उसमें सेम तरतीब के साथ आपने टाइट करना है। तो ये आपने जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल के जो थिम्बल हैं ये पंच हो चुके हैं। इसके साथ हमने आपको उसकी तरतीब भी बताई कि सबसे पहले आपने नट लगाना है, उस नट के साथ एक वाशर वो आप बस बार में इंसर्ट करें, उसके नेक्स्ट बस बार के नेक्स्ट साइड के ऊपर एक वाशर लगाएं, फिर आप एक नट लगाएं और इसको टाइट कर लें। उसके बाद आपने एक थिम्बल लगाना है जो रेड येलो ब्लू या न्यूट्रल कोई भी हो सकता है, जो भी तरतीब है, और उसके बाद लास्ट में एक नट के साथ आपने थिम्बल को टाइट कर देना है। व्यूअर्स, ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी, इसमें हमने आपको थिम्बल लगाने का पूरा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर थिम्बल लगाए जाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपने विजिट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि आपने इससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की होगी और आपने सीखा होगा किस तरह से ये थिम्बल लगाए जाते हैं।